हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। इट्स द नेक्स्ट डे। अभी मैं उठी हूँ, जस्ट ब्रश किया है एंड वी आर गोइंग टू द फार्म हाउस। इट्स 8:30 एंड उठे थे 8:00 में, तब 8:30 हो गया है। एंड कल रात को आके हमने कुछ भी व्लॉग नहीं किया क्योंकि बहुत टायर्ड हो गए थे जर्नी करके, तो हम लोग सीधा आके लेटे हुए थे एंड देन वी डू द डिनर एंड देन आके सो ही गए थे। कुछ ज़्यादा नहीं किया था इसलिए कुछ व्लॉग भी नहीं किया। तो अभी जस्ट हम रेडी हो रहे हैं जाने के लिए एंड हम आपको सीधा वहीं मिलते हैं। बाय बाय। तो नज़ारा कुछ ऐसा है, अभी मैं आई हूँ ब्रश करने यहाँ पर। तो इधर ये वेल भी है एंड वहाँ पे रोड है, इस तरफ भी घर है, तो ज़्यादा बहुत बड़ा आंगन सा है एंड स्पेशल यहाँ पे एक झूला भी है। इग्नोर द बैकग्राउंड, बस तो ऐसा है। हम लोग झूला में बैठे हुए हैं, खेल रहे हैं। जब तक नीचे जाना है, कशिश ऑलरेडी नीचे जा चुकी है, उसने ब्रेकफास्ट भी कर लिया है, मैंने नहीं किया है, अभी भूख नहीं है। तो अभी हम लोग झूल रहे हैं। ये ऑल्सो वी हैव टू पैरट्स, वन इज़ अ स्मॉलर वन, दिस इज़ द बिगर वन। काटता भी है, मुझे पता चला। इसको मुझे देखने से डर लगता है दोनों से डर लगता है, मगर या देखो ये फॉलो करता है। वीडियो लेते हैं। अल्लाह। 3, 2, 1। अरे वाह, बाय बाय। मत डरो, उससे कुछ नहीं करेगा। ले लो ना। टुआ टुआ। So by now you all know how much I was scared from parrot. I was, okay? So if I'm saying I was, I mean it. It is पहले first day में मुझे बहुत डर लगा था उसी से, but then वो parrot जो है ना बहुत ही ज़्यादा sweet था, so मुझे उससे फिर डर नहीं लगा। तो yes, लेकिन बड़े वाले से मुझे अभी भी डर है। तो यस, छोटा वाला पैरट धीरे धीरे मेरे साथ खेलने लगा एंड मैं भी उसके साथ खेलने लगी। एंड ये सब करने के बाद हम निकल गए रोड ट्रिप के लिए टू फार्म हाउस एंड इट वाज अप्रॉक्स अ 15-20 मिनट्स ट्रिप। सो यस, आप देख ही सकते हैं यहाँ के रोड्स कितने ब्यूटीफुल हैं एंड यहाँ के रोड्स जो है ना बहुत सारे वेवी वेवीज हैं एंड हियर वी रीच्ड। सब देख सकते हैं, ऐसा लग रहा है कि पता नहीं कौन से फॉरेस्ट के अंदर जा रहे हैं। हम लोग पहुँच गए हैं एंड ये है अमरूद का गच। यहाँ पे हैन है, उसको देखा, वेल भी है, बस ये सबसे आगे है। उसको एक्साइटमेंट लेवल आ गया, उसका पहुँच गई है। अभी मम्मी लोग खाना का प्रिपरेशन कर रहे हैं। कशिश तो आगे चली गई है, बिल्कुल सबसे फ्रंट में कशिश है। तो देखते हैं अभी कहाँ जाना है, वही बोलिए चलो कल चलते हैं, तो आगे जा रहे हैं। हाल तो ऐसे इधर लेकर आए खेलने के लिए, देखो कहाँ चढ़ी हुई है। फिर कशिश वहीं पे चढ़ी हुई थी अभी, और इतना बड़ा जगह है इधर, देखो देखो। हाय करो सर, इतना धूल फेंक के आए हो ना दोनों, तीनों चारों। अभी कर लिया हम लोगों ने अपना ब्रेकफास्ट, कशिश घर से करके आई थी जैसे मैंने पहले बताया, और अभी हम लोग आए हैं फिशिंग करने। दिखाते हैं आप लोगों को, बहुत ही ज़्यादा एक्साइटिंग। कशिश तुम फाइनली दिख गए, इधर आ जाओ। पूरे आज के दिन तुम दिखी ही नहीं हो। हाय बोलो। हाय हाय, बाय।
भाई देखो नेट्स में फंसी हुई है। और यहाँ पे जल रही है मछलियाँ। अरे देखो, 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 देखो। अभी हम लोग ट्राई कर रहे हैं वैल को कैसे के? हाँ वो फंसा हुआ है, चलो हाँ वो फंसा हुआ है, छोड़ो छोड़िए। हाँ इसको मैं भी पकड़ूंगी, ऐसे बारी बारी करके छोड़ोगे? आप लोग कर ही दीजिए, हम वीडियो कॉल ले रहे हैं। हाँ 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 ले लिया जाता है। अरे रस्सी ढीला छोड़ो। कैसे दे पाते हो? डर के पत्ता लगा के अभी बैठे हैं, फर्स्ट स्टेप है ये। और यहाँ पे सारे पत्ता लगा के सो खाने में है भात दाल चिली पनीर टमाटर की चटनी एंड वहाँ पे पापड़ तला रहा है। After having our lunch at 2:30, we took rest for approximately 1 hour and then we headed to Dimohani. So Dimohani is basically a village. So there are beautiful sights also, and you can see the house. Now, these houses are of kacha houses that we had seen in images only, and I got to see them in real life also. So yes. अब हम जा रहे हैं, सोच रहे हैं कि हम लेफ्ट साइड जाएं। लेफ्ट साइड है झरना और लेफ्ट राइट साइड कुछ भी नहीं है। वाह, नॉर्मल पत्थर, तो लेफ्ट साइड चलते हैं। लेफ्ट साइड नहीं, लेफ्ट साइड में बिल्कुल पत्थर नहीं और कुछ मजा नहीं आता है। तो तुमको पत्थर में जाना है, लेफ्ट साइड वाटरफॉल है, तो चलो। कशिश कब आई थी लास्ट? मैं आई थी A1 को। मैं तो खुद पहली बार आई हूँ। बहुत ज़्यादा अच्छा जगह है, सामने का व्यू तो मस्त है, बहुत अच्छा लग रहा है। अभी हम लोग और अंदर जा रहे हैं ताकि हमको कुछ प्लेन जगह चाहिए, पता नहीं ना कहाँ। कशिश आगे है इसीलिए मैं उसको कवर नहीं कर पा रही हूँ। तो बहुत सारे लोग पूछेंगे कि वो कौन 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 है। तो ब्लैक वाली जो है इरम है, कशिश की फूफी की बेटी, बुआ की बेटी, एंड और एक पिंक शर्ट विद स्ट्राइप्स फैजान फूफी का बेटा। मैंने लिया सैंडल्स हील्स वाला, ऐसे ही मुझे नहीं पता था। और यहाँ पर इसने शूज पहना है इरम ने। और अभी हम लोग जा रहे हैं उस तरफ, पूरा उस पार जाना है। रखी है कशिश, चलो
और हाँ ये चेयर तो कहाँ की है? तो अभी हम लोग जा रहे हैं उधर। और ये है साजिद इजरहान। फाइनली इधर तक तो आ गए हैं। इधर बहुत गर्म पत्थर है बिन चप्पल के। अच्छा उधर जाना है, पता नहीं कहाँ जाना है बस। चलो बहुत ज़्यादा अच्छा सीन है। चलो पानी धर लिए। पीछे भी मदद है, आगे भी मदद करना है। चलो साजी पहले तुम पहुंच गए। ये अभी हम लोग अपना सीट ले लेते हैं पहले। यहाँ पे कशिश स्पाइडरमैन। कहाँ जाना है? मैं सेट हो जाती हूँ फिर मिलती हूँ। तो मैंने डिसाइड किया है मैं यहाँ पे बैठ रही हूँ। आगे सारे यहीं पे बैठे हैं, यहीं पे बैठ जाती हूँ। तो पैर भी उठा सकते। मैं थोड़ा सा इधर से उठाते हुए भीग गया चढ़ते चढ़ते। कशिश क्यों इतना स्पाइडरमैन हो रही हो? उसको जगह नहीं मिल रहा है। परफेक्ट, बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा है। कशिश फिर से कहीं जगह बदलते हुए मस्त लग रहा है। हालो हालो बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। पानी के नीचे बहुत ही ब्यूटीफुल से पेबल्स भी हैं और बहुत सही सीनरी हो रखा है। मेरे को तो बहुत अच्छा लग रहा है। तो अभी हम लोग फ़ोन रख देंगे एंड हम लोग मस्ती करेंगे क्योंकि डर भी है। वहाँ थे, वहाँ से इतना कुछ क्रॉस करके वहाँ चल के आए हैं। कितना मुश्किल, हालत खराब हो गया है और चलने का हिम्मत ही नहीं हो रहा। अभी इधर है, वहाँ जाना है और पहाड़ वाला रास्ता है। पैर में कुछ पहना नहीं है। पत्थर है कि मत पूछिए, लग रहा है कोई चट्टान से भी चढ़ना। हिमालय मैं ज्यादा व्लॉग नहीं कर पाऊंगी, मुझे डर भी है फोन गिरने का। और मैं चलूंगा कैसे उसको देखो। पहुँचने के बाद ही आपको मिलेंगे। बाय बाय। तो वहाँ जाने के बाद हम लोगों ने थोड़े बहुत फोटोज लिए एंड वहाँ से हम लोग चले गए एक थोड़ा ही दूर में ट्रैकिंग करने के लिए, हमें मस्त वाला जगह में। तो अभी आए हैं हम लोग ट्रैकिंग करने। मैं दो तीन कैमरा से शूट कर रही हूँ क्योंकि मेरा चार्ज भी ख़त्म हो जा रहा है। तो कोई कोई कैमरा से है और कोई कोई फ़ोन से है। तो अभी हम लोग जा रहे हैं ट्रैकिंग करने। मैंने इतना मतलब सा लट्टी लिया है। हाँ हाँ ये भी गिर गया, नहीं मिल गया। तो ये हम लोग जा रहे हैं। कशिश लोग कुछ ज़्यादा ही आगे हैं, मैं कैमरा खोलते खोलते पीछे रह गई थी। दिखा देती हूँ रास्ता, देखो कहाँ पे उन लोग। मैं वहाँ तक पहुँचती हूँ फिर आप लोगों से बात करती हूँ। आ रही हूँ, सब ऊपर से हाय करो। और से ये ब्यूटीफुल सा नज़ारा है, नीचे से ऊपर तक आए और भी ऊपर है जाने को। हम लोग की हिम्मत नहीं है ऊपर। कितनी बार हाय मारोगी तुम? उतना नीचे तो सब कुछ दिख रहा है। हाँ बोलो, क्या बोल रही थी? सो वहाँ पे जाके हमने बहुत सारे फोटोज भी क्लिक किए एंड देन हम वापस आ गए घर। इग्नोर द पीछे वाला मैं, इसको भी इग्नोर मार। मैं आपको मिलती हूँ चेंज करने के बाद। तो मैंने कर लिया है चेंज एंड अभी हम लोग जा रहे हैं सोने। मैं बहुत देर के बाद ब्लॉग कर रही हूँ, ये मत सोचना कि इंस्टेंट जा रहे हैं सोने। अभी बज रहा है 11:22 एंड अभी हम जा रहे हैं सोने। इग्नोर द मैस, ठीक है, पीछे का बैकग्राउंड इग्नोर करना। अभी हम जा रहे हैं सोने। कल सुबह कितने बजे उठना है? हम लोग उठना है 7 बजे। सात बजे जाना है भीमकुंड। भीमकुंड वो वाटरफॉल है। कल का ब्लॉग पता नहीं, हम लोग नहाने वाले थे पर वहाँ पे पानी साफ नहीं है और फैसिलिटी भी नहीं है जैसे कि यू नो चेंजिंग रूम एंड ऑल। तो देखते हैं कल का ब्लॉग कल कंटिन्यू होगा।
और अगर ये ज़्यादा होगा तो पार्ट टू होगा, नहीं तो फिर एक का ही हम लोग देख लेंगे। सो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिएगा एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, सब्सक्राइब के पास वाले बेल आइकन को भी जरूर टिक देना ताकि आपको हमारे लेटेस्ट वीडियोस सबसे पहले देखने को मिल जाए। सो हम मिलते हैं आपको अपने नेक्स्ट वीडियो में, चलते हैं, टेक केयर एंड बाय बाय।